और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी आज मुंबई में आए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी से उनके साथ एक बहुत लंबी बैठक हो गई। दोनों में बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, डेवलपमेंट, देश की राजनीति, आने वाले समय में क्या करना है और किस दिशा में जाना है, इस बारे में दोनों नेताओं में बहुत लंबी चर्चा हो गई और बहुत से बातों पर उद्धव जी और केसीआर राव साहब की सहमति हुई है। मैं राव साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुंबई के प्रेस को एड्रेस करिए। हम आप बैठे आज देश के राजनीति, देश के विकास के गति, 75 साल के आज़ादी के बाद देश की हालात पे चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र में आया हूँ। उद्धव जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता मिली है। हम दोनों ने कई मुद्दों पर, कई विषयों पर काफ़ी लंबा चर्चा की है। काफ़ी बातों पे हमारी सहमति हुई है कि आगे देश के उन्नति के लिए, देश में अच्छी सुधार लाने के लिए, देश के विकास में गति बढ़ाने के लिए, देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज़ को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम कायर लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया, बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं। क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उसमें भी बातें हुई, उसमें भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है, आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए। क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए, देश के युवा को, नौजवान को, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मज़बूत हिंदुस्तान को बनाए, कि हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है
वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ तेलंगाना के जनता के ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सबके तरफ आती रही है महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है, उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। उद्धव सर, नहीं आप साफ बात करें, जरा ऐसा करें ना, अरे आप बैठे बैठे बस चलो। पहिला प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या, तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला। आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बाळासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते, आणि ही भेटसुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं, नाही, सदिच्छा भेट होती। आमची भेट जसं संजयने पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काही वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे। हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाही आहे। सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारे हिंदुत्व ऐसे नाही आहे, बदला लेने वाला। तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोणी बनेल, पंतप्रधान कोणी बसेल, पण देशाचं काय होईल हा एक विचार कोणीतरी करायला पाहिजे होता, तो आजपासून आम्ही करायला सुरुवात केलेली आहे। म्हणजे आज काय नव्याने आम्हाला काय साक्षात्कार झाला अशातला भाग नाही, पण सुरुवात कोणी करायची ती सुरुवात आम्ही करतो आहोत। साहजिकच आहे देशाचा विचार याच्यात आहेच, पण संपूर्ण देशामध्ये राज्य एकमेकाचा शेजार धर्म विसरलेली आहेत। जो उल्लेख आता झाला की 1000 किलोमीटरची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला एकत्र आहे, आम्ही सख्खे शेजारी आहोत, पण राज्यांमध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण राहिलं पाहिजे, नाहीतर प्रत्येक जण आपापला एक काहीतरी इरादा घेऊन पुढे चाललाय, राज्य गेलं खड्ड्यात, देश गेला खड्ड्यात, हे राजकारण हे देशाला परवडणार नाही। आणि म्हणून एका नव्या विचारांची आज सुरुवात झालेली आहे, त्याला थोडासा आकार उकार यायला थोडासा अवधी लागेल, जरूर लागेल, आणि प्रयत्नांची एकदा सुरुवात केल्यानंतर मेहनत तर करावी लागणार। आणि मला खात्री आहे की शेवटी जे देशाचे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याला हात न घालता दुसऱ्याला बदनाम करण्याचा जो एक प्रकार सुरू झालेला आहे, म्हणजे स्वतः काय केलं, मी काय केलं ते मला सांगण्याची गरज नाही, पण तुम्ही काय नाही केलं ते पण आम्ही कसं खोट्या पद्धतीने सांगतोय, हा कारभार हा मोडायला पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी एक चांगली दिशा आज आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेली आहे आणि त्या दिशेने जायचं ठरवलेलं आहे। पुढे प्रत्येक पावलावरती जशा काही घडामोडी होतील, जशी काही प्रगती होईल, त्याची कल्पना आपल्याला सगळ्यांना दिली जाईल। आता काही बोलायचं नाही, आता आम्ही दोघांनी सुरुवात केली आहे। बनर्जी यांनी देखील भेट घेतली होती यापूर्वी, ममता बॅनर्जी, शरद पवार जैसे ममता बॅनर्जी भी मिले थे, तभी कांग्रेस को बाहर रख के इस तरह का तीसरी आघाड़ी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा, आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से, हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है।
हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रहेंगे। सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है क्या? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं, इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है, ऐसी चीज़ तो कहीं देख चुके हैं देश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।